दोस्तों, हम आज आए हैं लाला हरदौल की समाधि स्थल को देखने के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाला हरदौल जी के बारे में, जो कि लाला हरदौल जी बुंदेलखंड के ओरछा जो प्रांत है, ओरछा के नरेश वीर सिंह देव जी के पुत्र थे। पहाड़ सिंह ये उनके भाई थे, और लाला हरदौल जो है वो बुंदेलखंड के महान स्वतंत्र सेनानी व कुशल योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। बुंदेलखंड के इतिहास में उन्होंने अपना एक अलग स्थान निर्माण किया है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना, मुगल सत्ता के विरुद्ध जोरदार मुहिम हाथ में लेकर उन्हें भयभीत कर छोड़ना, और आज भी इन्हीं उनके कार्य का वहाँ पर इस कार्य के कारण वो वहाँ जाने जाते हैं। आज भी उनके ये शौर्य की कथाएँ वहाँ पर अलग अलग दोहे रचे हुए हैं लोगों ने, और दोहे के माध्यम से लोग उनके शौर्य की कथा को याद करते हैं। आज भी उनके शौर्य के बारे में बुंदेलखंड में वो बहुत प्रसिद्ध है, और लाला हरदौल जी जो थे उनके शौर्य और उनके लोगों में लोकप्रियता बहुत बढ़ती जा रही थी। तो उसके कारण उनके भाई झुंझार सिंह जी जो थे, उन्होंने विजयादशमी के दिन 1688 में उनके ऊपर विष प्रयोग किया। उस विष प्रयोग में उनका निधन हो गया। तो इसी के स्मरणार्थ उनके जो उनकी जनता उनकी बहुत प्रेमी थी। तो औरंगाबाद एक ऐसी जगह है कि जो इतिहास में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है कि दिल्ली जो सत्ता है वो औरंगाबाद में औरंगजेब ने लेके आया था। तो औरंगजेब ने यहाँ पे दिल्ली जैसी लाया, तो मध्य प्रदेश से भी जो ओरछा का जो राजवंश है वो यहाँ तक उनकी सत्ता लेकर आया था। तो उसमें लाला हरदौल जी के देश प्रेम के बारे में और उनका जो कार्य है उन्होंने ओरछा में जो किया था, तो वो कार्य को जानते हुए लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वो गीत दोहे बोल के लाला हरदौल के दोहे इस नाम से बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। आज उनके कार्य की वजह से लाला हरदौल जी आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। उनके स्मृति प्रत्यर्थ आज भी गांव उनके बुंदेलखंड में, ओरछा में, और जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया वहाँ वहाँ उनके नाम के उनके स्मरणार्थ चबूतरे बनाए गए हैं, समाधि स्थल बनाई गई है। और आज भी उनके गांव में बुंदेलखंड में आज भी वहाँ पर विवाह जिस किसी घर में विवाह होता है तो उसका पहला जो आमंत्रण है वो लाला हरदौल जी के समाधि स्थल के पास में वो निमंत्रण पत्रिका रख कर वो आमंत्रित करते हैं। तो इतना उन्हें वहाँ पर मान सम्मान था। तो औरंगाबाद के भी सोनेरी महल के एग्जैक्टली सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनका ये लाला हरदौल जी की समाधि स्थल है, उसे चबूतरा भी कहा जाता है। तो ऐसे कर्तृत्ववान थे लाला हरदौल जी, इसी के कारण इतिहास में आज भी उनका नाम उनका नाम आज भी इतिहास में अच्छी तरह से लोगों को याद है। तो इसी समाधि स्थल को महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग ने उनके अंडर में लेकर उसकी देखरेख के जिम्मा उठाया है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि व्लॉग में आपको जानकारी कैसी लगी, और भी आपके कुछ सजेशन होंगे तो वो आप मुझे दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।